वही नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना व्यवस्था की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि 4 जून को सुबह 8 बजे से उधम सिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा क्षेत्रों को मतगणना रुद्रपुर की बागबाड़ा मंडी में होगी। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने बगवाड़ा स्थित मंडी मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कल जो है उधमसिंह नगर नैनीताल लोकसभा का जो काउंटिंग है बगवाड़ा स्ट्रांग रूम कॉम्प्लेक्स में होगा। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने इस पूरे डिप्लॉयमेंट में मोर देन 700 पुलिस फोर्स को लगाया है। उसके अलावा पैरामिलिट्री अलग है और होमगार्ड्स पीआरडी अलग है। मैं केवल पीएसी पुलिस को गिन रहा हूं तो 700 से अभी अधिक है जो बगवाड़ा में रहेंगे। तो टोटल 2 सुपर जोन है जिसमें 2 एसपी रहेंगे। ओवरऑल व्यवस्था प्रभारी एसपी क्राइम है जो आपका चंद्रशेखर गोड़के है, नोडल इलेक्शंस है। तो मतलब एक विस्तृत पुलिस फोर्स रहेगा, 13 गेस्टेड ऑफिसर्स लगे हैं वहां पे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यह बताना चाह रहा हूं कि धारा 144 अभी भी लगी है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले जो भी लोग हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े या प्रोवोकेटिव स्पीचेस या कुछ करते हैं, तो उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मतगणना की समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि जो भी थे, आज बैठक भी हम लोगों ने कर लिया है। सारी व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के विषय में भी कप्तान साहब ने सबको बता दिया है। आज प्रेस और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के साथ ही हमने एक बैठक करके जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो, काउंटिंग कब से शुरू होगी, सारी चीजों को डिटेल जानकारी दे दी गई है। तो मेरी समझ से अब कल प्रातः 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद चरण वाइज, राउंड वाइज जो भी रिजल्ट आएंगे, तो जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहां आप लोगों को जानकारी, जैसे ही आरओ टेबल से चीजें क्लियर होंगी, आपको जानकारी दी जाएगी। और बाकी आप लोग फिर